नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए आज आपको ले चलेंगे झज्जर, जहां पर इंडिया न्यूज की चौपाल आज सजी है और मेरे सहयोगी अतेंद्र शर्मा इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और चौपाल लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा और रितम मैं पहुंच गया है झज्जर में, यानी कि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी दहलीज पर। जो सोच आपकी है, जो एजेंडा आप तय करेंगे, वो रितम ऐप नेताओं तक यानी कि सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी सरकार किसी की भी हो, कैसी भी हो, लेकिन एजेंडा केवल और केवल जनता का चलेगा। रितम ऐप पर इस पूरे प्रोग्राम को यानी कि चौपाल को लाइव देखने के लिए आप रितम ऐप को अपने प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। RITM आप टाइप कीजिए रितम ऐप पर। ये चौपाल रितम ऐप जो देश का पहला स्वदेशी ऐप है, जिस पर 13 भाषाओं में 100 से ज्यादा समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध है। हमारे साथ जो झज्जर में बातचीत करेंगे, बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह दलाल साहब, वहीं कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बत्सी हैं और JJP की तरफ से अजय गुलिया साहब हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं जनता के तौर पर, और जो झज्जर की जनता के तौर पर वो सामने आप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कुलदीप जी, एक समय था जब झज्जर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, एक समय था, और दो जो अभी लास्ट चुनाव हुए, 5 साल खट्टर सरकार रही, उससे पहले 2 सीटों पर करारी हार आपको हुई, 2 सीटें आपके पास रही, ऐसा क्या हुआ कि जनता का विश्वास आपसे हट गया? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमने 2 सीटें हारे, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही जिसकी वजह से आज हम मंथन किया। क्या हमने मंथन किया, जनता ने BJP को चुना, हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। पर जिस तरीके से, अब हम अपनी बात पर आ जाए, मेरा जवाब मिल गया और कुछ आपने जवाब मेरे से करना, जवाब तो मुझे मिला ही नहीं, मैंने कमियां पूछी रही, इनकार कर रहे हैं, कमियां नहीं बता रहे, जनता 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 ही कमियां रही जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से, और ना विकास में हमारे बाद में हल्के में कमी रही। प्रतिनिधि तो हुड्डा साहब थे, नहीं उनकी तरफ से जो कैंडिडेट थे, हुड्डा साहब के तौर पर तो वही है, नाम लीजिए ना। नहीं, जिसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, दूसरा हमारी बहन ने कहा कि दो दो थाने खुलवा दिए और बहन बेटियों का बड़ा सम्मान हो रहा है, बड़ी सुरक्षा मिल रही है। मैं, मेरी बहन है, बड़ी है, छोटी है, वो तो बनी मेरी बहन है, पर अगर इतनी अच्छी सुरक्षा मिल रही थी, इतनी अच्छा वातावरण था, आपने बनाया, हाँ बता रहे, तो दो दो थाने के थाने कौन से खुले ये बता दो, तो झज्जर में 2 थाने कहां खुले हैं? दूसरा, एक थाना खुला है उसमें भी स्टाफ पूरा नहीं। एक हमारे भाई ने कहा कि भी पूरे हरियाणा में कॉलेज, हर जिले में कॉलेज खुले हैं। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, भाई एक कॉलेज का नाम गिनवा दे, वहां कॉलेज खुला। हरियाणा में 3 चीज खट्टर साहब ने बहुत अच्छी करी, वो 3 चीज मैं दलाल साहब का भी धन्यवाद करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, गुलिया साहब की धन्यवाद करता हूं, पर मैं आपकी टीम से नाराज भी, क्योंकि यह कहा गया था कि ओम प्रकाश धनखड़ जी आएंगे, उनसे हमने जवाब लेना था यहां पर। ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली के 3 काम गिनवा दे, भाई 3 काम मैंने बादली में वो पड़े किए, और मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 काम हरियाणा में गिनवा दे, भी बड़े 3 काम मैंने ये किए। हाँ, मैं स्वागत करता हूं इन्होंने जिस प्रकार का जो काम किया हरियाणा में, हरियाणा में भ्रष्टाचार नंबर 1, अपराध में नंबर 1, और ये पहली सरकार है जिन्होंने हरियाणा को 3 बार जलाने का काम किया। 76 हमारे जो साथी थे, उसके बाद भी ये लोकसभा सीटें जीत गए, वो बताएंगे 76 हमारे अगर, साथी अगर, अगर, अगर इतना हरियाणा जलाया। नहीं, सुनिए आप मेरी, आप मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी के वकील बन, मेरी बात, मैं अपने वकील बन रहा हूँ, नहीं आप मेरी बात सुनिए, जनता की तरफ से सवाल है। नहीं, आप जो जनता की बात कर रहे हो ना, मैं उसी जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव उसके बाद हुए, क्या रिजल्ट रहा? कोई बात नहीं, रिजल्ट हमें भी पता नहीं, पा रहे हो ना, रिजल्ट सुनो देश का, जिस तरीके से सुनो, मैं आज आपको बता रहा हूं, पुलगामा टेक, संघवाद, राष्ट्रवाद, आपने पता है, आप दिल पात रखी, देख सोच लेना ये क्या हुआ। हमारे 76 साथी, ये पहला प्रदेश का मुख्यमंत्री है
जिन्होंने 76 लोगों को गोलियों से भुनवाया, वो पहला मुख्यमंत्री है। दूसरा, भाईचारे को तोड़ने के लिए नंबर वन बीजेपी है, जिन्हें हमारे भाईचारे को तोड़ा। और चार साल में, पांच साल अब इनके पूरे हो गए, पांच साल में मेरे को ये बता दे हरियाणा के अंदर कितने उद्योग लगे और कितने यहां से उठ के चले गए। क्या पांच साल में झज्जर को मिला जो ये कह रहे हैं कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ? और तो किस वजह से आप हरियाणा, जो बार बार झज्जर जीतने की बात करते हैं, हरियाणा 75 बार, क्या कहीं लगता नहीं है अहंकार हो गया, घमंड हो गया बीजेपी को? एक चीज विजेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास पूरे समय दिया आपको, अब एक सेकंड दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए, ऐसा है, मुझे उनको ले लीजिए, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ ना। जो जो बातें कुलदीप जी ने रखी है, मैं बिंदुवार उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो कुलदीप जी कह रहे थे दो थानों की बात, एक थाना हमारा झज्जर में खुला, दूसरा थाना बादुगढ़ में खुला, महिला थाना। मेरी बहन जी कह रही थी यहाँ दो थाने खुले, वो हमारे जिले की बात आई, यानी कि दो थाने खुले हैं, दो थाने हमारे जिले में, बहादुरगढ़ और, तो आप तो एक बता रहे थे अभी कांग्रेस वाले। दूसरा पॉइंट झज्जर की बात, कॉलेज की बात कह रहे, अभी काम जिला ही आ रहा है ना जी, झज्जर को एक जगह की बात नहीं हो रही ना, जिले हम तो जिले का पॉइंट, आपने भी तो बादली की बात की ना, अभी मैंने रोका नहीं आपको। महिला कॉलेज का बोला, कुलाने में महिला कॉलेज खुल चुका है हमारा, स्टार्ट हो चुका है कांग्रेस वाले, यानी कि। तीसरी चीज विकास की बात, अब सबसे बड़ा मुद्दा झज्जर में कौन सा सबसे बड़ा काम हुआ है? मैं कुलदीप जी के माध्यम से और अपने जिले के पूरे जितने भी हमारे व्यक्ति हैं उनके माध्यम से और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, एम्स कैंसर इंस्टीट्यूट सिर्फ एक पत्थर लगाने का काम किया था पिछली सरकार ने, कांग्रेस की ने, अगर उसका पूरा काम किया, उसका पैसा आया तो मोदी जी ने और मनोहर लाल जी की सरकार में आज उस कैंसर इंस्टीट्यूट का आप जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। झज्जर जिले का एक काम की बात कर रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा काम हमारा केएमपी, जो कि एक हरियाणा की रीढ़ का हड्डियां काम करती है, जो कि हमारा सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, ये पूरे जिले कवर करते हैं। केएमपी 2006 में कंप्लीट होना था, 2006 के बाद 2008 का टाइम रखा गया, 2010 का रखा गया, फिर कहने लगे कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम से पहले हम केएमपी को पूरा कर देंगे। जाके किसने पूरा किया? मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने। आज केएमपी पे जाके आप देख लो। और रही भाईचारा खत्म करने की या हरियाणा जलाने की बात, इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। आप ये देख लें, जिस टाइम हरियाणा जला था किसकी तो ऑडियो आई थी, जो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उनकी ऑडियो आई, एक एक अब सब लोगों ने सुनी है। अभी हमने तो यहाँ पर ये कर दिया, सिरसा से कैसे बैठा वहां भी क्यों नहीं जला रहे? जलाने का काम कांग्रेस वालों ने तो किया। अब हम सब समझ सकते हैं जलाने का काम किसने किया। और मैं अजय जी और कुलदीप जी से ये भी अंदर से मानते हैं, जो कि हरियाणा की कांग्रेस की सीएलपी लीडर रही किरण चौधरी जी, उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, हम सब ने पता है। एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के, हरियाणा जब से आजाद हुआ है 66 में जब से शुरू हुआ हमारा हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, एक के काम जो हरियाणा में अंत्योदय जो आखिरी पंक्ति में आदमी खड़ा हुआ है वहां तक विकास के काम गए हैं, मैं उसके एक एक गिनवाऊंगा आपसे। चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात देख लो, हरियाणा प्रांत ने शुरू किया, क्या आम परिवार जो कि क्या झज्जर में, पुणे साहब से मेरा सवाल है, झज्जर में ये सब जितने काम गिना रहे हैं ये आए हैं जमीन पर, क्या केवल हवा हवाई दावे कर रहे हैं बीजेपी वाले? 120 सेकंड गिन लें साथी, 120 सेकंड, 121 नहीं करूंगा। बहन जी ने एक बात कही थी कि महिलाओं का जो सम्मान, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि ये मानता है, जिसके डाटा ये बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश न सिर्फ आसपास के उत्तर भारत में, समूचे भारतवर्ष में गैंग रेप के मामले में नंबर वन है, गैंग रेप के मामले में नंबर वन है। मैं आप बहन जी आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला ना, 120 सेकंड मांगे मैंने आपसे, 120 सेकंड बहन जी मैंने आपसे मांगे हैं। जो बहन जी ये बात कर रही थी ना कि बसें चल रही हैं, एक रूट का नाम बता देना, चर्चा के बाद बता देना कौन से रूट पे वो बहन बेटियों को ले जाने वाली बसें चल रही हैं। मैं तो एक खुली चुनौती और देता हूं भाजपा के नेताओं को और मंत्री को, ओम प्रकाश धनखड़ को और इंडिया न्यूज की टीम को न्योता देता हूं, किसी भी जलघर में झज्जर जिले के अंदर चले जाओ, अगर ये उस पानी से नहा लेंगे तो अपने सारे आरोप वापस लेने का काम करें। किसी भी जलघर में पूरे झज्जर जिले के अंदर आप चले जाओ, किसी जलघर के पानी से आप नहा नहीं सकते, पीने की तो बात आप छोड़ दो। आप कहां नहा रहे हैं?
नहीं नहीं आप बाहर जाके नहा रहे हैं, ठीक है मैडम, नहीं हम जवाब ले दीजिए ना जी। 120 सेकंड का हिसाब दे पहले, मैंने 120 मांगे आपसे, मैंने ज्यादा नहीं मांगे। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, 22 जिलों में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की ये लोग बात करते थे, इनसे पूछ लो, 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया, एक मेडिकल कॉलेज झज्जर का कहाँ, उसका नाम बता दो भाई, एक नाम बताओ झज्जर के मेडिकल कॉलेज का है भाई, ज्यादा सरकार का आपने 120 की साहब 100 MB सेकंड हो रहे हैं, वो भी पूछ लूंगा अभी जी। ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, तहसील कैंप की बात करी मेरे साथी ने, बहुत बढ़िया कैंप ही बना दिया, कैंप की पहली बारिश में क्या हालत हुई थी आपने देखा ना, डाके को रेगुलराइज कर दिया, टोल ले लिया, रोड टूटा हुआ, डाके को रेगुलराइज करना कहते हैं इसको, कैंप ही चलता नहीं है, जवाब है सारे साथी बता देंगे। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की अजय भाई बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी, चाहे सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हो, वो खोलने का हर एक जिले में प्रयास किया है, हमारे जिले में प्राइवेट कॉलेज मेडिकल खुला है, वर्ल्ड कॉलेज एक मिनट आप वर्ल्ड कॉलेज तो लाठीचार्ज भी हुआ है, लेकिन वहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, वही वर्ल्ड कॉलेज जी, नहीं 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 छात्रों का उसमें लाठीचार्ज की बात नहीं है, अगर मान लो कॉलेज की तरफ से कोई उसमें फॉल्ट है तो उसको हम अपने संज्ञान में लेके हमने बात भी की है, जो छात्राओं की विषय उसमें समस्या होगी, जो लाठीचार्ज हुआ क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? नहीं, लाठीचार्ज जी मंत्री खुद किसी के साथ लाठीचार्ज नहीं हुआ है, और मंत्री जी भी बात करने के लिए गए थे, ऐसा समाधान कैसे हो सकता है, भाई युवा बच्चे थे उनमें जोश आ गया, ये गलत सरासर गलत है, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे, देखिए लाठीचार्ज की नहीं, मंत्री वहां मौजूद था उन बच्चों के साथ, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा वहाँ अरे बैठ जा, वहीं पे बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी हुई, 100% बच्चों के साथ बदतमीजी, लड़कियों के साथ कमांडो धक्का मुक्की की, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीडियो देख लो, ये वीडियो भी देख लो। दूसरा भाई एक बात कहता है, केएमपी की बात करते हैं, 80% केएमपी का काम पूरा हो चुका था, 20% इन भाइयों ने किया, पर आप जाके आज एक चीज देखिए, तो कम से कम सालों से तो मैं ही देख रहा था कि नहीं कैसे अटका पड़ता था, नहीं 80% झूठ, नहीं बिल्कुल मैं झूठ, मैंने देख लिया क्या मैंने काम किया, क्या सॉरी पत्नी रुका हुआ था केएमपी की, सॉरी नहीं ठीक है, मैं बीजेपी वालों से बात कर रहा हूं, केएमपी का श्रेय नहीं बैठे पूछो, इन्होंने पूरा करवाया केएमपी काम बाकी था, इन्होंने पूरा किया, ठीक है मैं बात कर रहा हूं, नहीं दूसरा वालों से कर लेता हूं, सरकार धनखड़िया बता रहे, अरे नहीं मोदी जी छोड़ो ना, मोदी जी बोले छोड़ो एक मिनट, और रही बात आपके पास टीवी में जाएगी, सुनो ये भाई कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, ये लोग रेवाड़ी से, ये लोग रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन कौन लेके गए, अब ये लोग चुप नहीं होंगे, मैं जो इनके नहीं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब सवाल जवाब किए थे, आप तो अनुशासन में रहने की बात करते हो, आपकी बात सुनी गई थी ना, अब जवाब भी सुनने का काम करें, आप केएमपी की बात कर रहे हैं भाई, केएमपी एक सीजन भी अगर चलाओ, एक सीजन भी अगर केएमपी चलाओ, कांग्रेस के शासन में जो कह रहे हैं दावा हुआ था, कितने सालों से अटका पड़ा था, मैंने एक आधा मैं ये कह रहा हूं, वो चालू नहीं था, जनता के पैसे का किस तरह चालू नहीं था, कांग्रेस के शासन में वो काम केएमपी सालों साल कोई 20% काम बाकी था, करना था मलाई खाते रहे जी, नहीं मलाई तो आप खा रहे हैं बीजेपी वाले, ओम प्रकाश धनखड़ जवाब देता है, यहाँ तानू को पता लगती 5,000 करोड़ का घोटाला करने वाला कौन है, ओम प्रकाश धनखड़ है उसका नाम, ठीक है घोटाला वाला केएमपी का शिलान्यास की शुरुआत करने की जो बात थी वो अटल जी ने की, अटल जी ने फंड पास किया और सरकार उसके बाद यहाँ पे उड्डा की बनी, और सबको पता कांग्रेस नीव ही ऐसी रखती अरे, है अरे, जो धड़से गिरे यही काम रहा है, जो केएमपी पहली उसमें गिरा है 10 साल में जो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया वो आज तक, मैं विपक्ष के साथियों का सुन रहा था, विकास सरकार ने कोई काम नहीं किया, जवाब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने काम नहीं किया होता उसका जवाब ये बताओ, पहले इलेक्शन हुए म्युनिसिपल कमेटी के पानीपत में और 5 जगह पर, वहाँ विपक्ष हारा, फिर वह MLA का जींद में वहाँ पर सवाल क्या, अभी एक मिनट सुन लो सवाल है, हमारे विकास सारी नाड़ों को काट रहा है ना, है भाई साहब जब आप इतने मंत्रियों पर का धनखड़ सच्चा और बरसना होता तो मीडिया में आता हो, और हमेशा मीडिया से भाषा झूठ रहे हैं, मीडिया से अभी तक हमने मीडिया में एक भी नहीं देखा है, मीडिया में अभी तक मंत्री को एक बार भी नहीं देखा है, किसी टॉपिक पे भी किसी पे भी मंत्री आज तक नहीं, इतना सच्चा है थे आपके मंत्री सामने क्यों नहीं, तो सवाल तो कर लें, सवाल ना करूं, सवाल कर लूं,
इनका सवाल है कि मंत्री ऐसा क्या है कि अगर अच्छे काम किए होते तो जनता के सामने क्यों नहीं आते, क्यों बार बार भागते हुए नजर आते हैं? मतलब मैं आपके मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, हरियाणा में जितने भी हमारे मंत्री हैं अगर सबसे ज्यादा कोई जनता के बीच में रहते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी है, वो अपने बादलिंग भाजपा में रहते हैं। सवाल मंत्री जी हल्के में रहता तो ये जनता बता देती उसका क्या हाल हो रखा, हरे गांव में बहिष्कार हो रखा उसका, हरे गांव में। विजेंद्र जी मैं आपका बिल्कुल सम्मान करता हूं और आपने बहुत ही अच्छी बात रखी, उसमें बिंदु वर में तीन बातें आपसे पूछना चाहूंगा। एक सवाल जल्दी जी, एक तो कॉलेज के लिए जो आपने कहा था वो कॉलेज आज भी मंदिर में चल रहा है, रामविलास शर्मा ने अपना प्रिंसिपल नियुक्त किया उन कन्याओं के लिए तो वो मंदिर में चल रहा है। दूसरा आपने कॉलेज मंदिर में चल रहा है इसका कोई जवाब आपके पास? बीजेपी वालों उसका पैसा आ चुका है अगले सेशन तक, मेरा भाई कह रहा था कि बन चुका। ठीक है दो मिनट रह गए। कुलदीप उत्स कह रहे हैं भाई के एम पी एक का बारिश में टूट गया, वो 120 की स्पीड तक गाड़ी बाजी जा है के एम पी पर कब आई भाई? चल के एक बार रोड पे चल भाई, आ मेरे साथ बैठ चलो पता लगेगा और मेरी बात सुन। आपका सवाल इनकी बाकी सरकारों में तो सबूतों समेत घोटाले सामने आ रहे हैं, तो धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, हमारा कोई सामने आ गया बहन जी? नेता लगातार पकड़े जा रहे हैं, इनका सवाल ये है साहब। बहन जी बात सुनो, के एम पी पर रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, ठेकेदारों का पेट भरने का काम किया बीजेपी सरकार ने, और दूसरी बात गरीब आदमी के पीड़े पौड़े पांच सालों ले पीड़े कार्ड नहीं बने हैं और अब चुनाव आए तो अब ये सर्वे करा रहे हैं। ठीक है, चुनाव के समय आप सर्वे करा रहे हैं और आपके नेता करप्शन में, दोनों से सवाल है। समय खत्म होने वाला, मैं जवाब इनका दे रहा हूँ। मैं बादली की बात करता हूँ आपसे, बादली के अंदर भाई ने कहा एम्स की ओपीडी 2012 में चालू होगी थी, ठीक है 2012 में, और दीपेंद्र हुड्डा के लेके आया और 3250 एम्स का श्रेय ना ले, एम्स का श्रेय सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी को जाता है। और एक चीज और, जवाब आपके पास जल्दी की बात कर रहे थे जी, कॉलेज की बात कर रहे थे कुलदीप जी के साथ, चलो कुलदीप जी से एक बात पूछना चाहूंगा। कुलदीप जी ये कह रहे हैं भी जो विकास हुड्डा जी के राज में हुआ 10 साल में जी, अगर विकास की बात कर रहे हैं तो जनता ने लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से हरा के क्यों भेज दिया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यानी कि लगातार हार हुई आपके पास जो जवाब 20 सेकंड है, केवल 20 सेकंड। देखिए आप बोलिए, समय नहीं है, खत्म हो जाए। देखिए आप एक बात मान करके चले, आप हॉस्पिटल मंदिरों में चल रहे हैं, हॉस्पिटल मंदिरों में चल रहे हैं। चौपाल को देख सकते हैं रिथम ऐप, यानी कि देश का पहला स्वदेशी ऐप आ रही थी, आप प्ले स्टोर में जाके उसे टाइप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी चौपाल आपको रिथम ऐप और इंडिया न्यूज हरियाणा पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चौपाल में इतना ही, आगे भी हमारी